बच्ची को जब माँ बाप का प्यार मिलता है तो उसके जीवन में नया सवेरा होता है। बीते 2 दिनों से सहरसा में रह रहे इटली के दंपंती के साथ अनाथ रीना रह रही थी। ऐसे में मात्र 2 दिन में ही 6 वर्षीय रीना अपनेपन से ज़्यादा उसे माता पिता का सुख मिला। वही इटली की दंपंती का भी काफ़ी हर्ष दिखी, जिसके बाद उन्होंने रीना को गोद में लेने से कोई कोताही नहीं बरती। अब वे जल्द से जल्द रीना को लेकर अपने घर इटली जाना चाह रहे थे, जिसकी पूरी प्रक्रिया हो जाने के बाद स्थानीय कोसी चौक स्थित दस्तक ग्रहण केंद्र से उसे गोद लेकर परिवार मुहैया कराया गया। ये इटली के नॉर्थ इटली में त्रेविसो नाम के शहर से है। उन्होंने एक वहाँ की संस्था से टाई अप किया था बच्चे गोद लेने के लिए, तो वो संस्था का इंडिया में और बाकी सारे देशों में भी टाई अप है। बच्चों को एडॉप्शन संस्थाएँ रहती है, उनसे टाई अप है। तो इन्होंने भारत से बच्चा इसलिए लिया क्योंकि भारत से इनको बड़ा लगाव है। अपनी हिंदी फिल्म में भी जो वहाँ पे टीवी पे दिखाई जाती है वो भी वो देखते हैं। अपना हिंदुस्तानी खाना भी उनको बड़ा पसंद है, तो इन्होंने सोचा कि भारत से कोई एक बच्चा गोद ले ले। तो फिर ये यहाँ तक आना कैसे संभव हुआ? यहाँ से जो लीगल प्रोसेस हुई सब पूरी एक बार, उसके बाद जब अभी कस्टडी मिलने वाली पता चला, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार है, अभी कस्टडी मिलने वाली है, तो उन्होंने टिकट बुक किए। वहाँ से ये दिल्ली आए, दिल्ली से पटना, और फिर पटना से बाय रोड सहरसा गाड़ी में आए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सचिन है, मैं मुंबई से हूँ। आप ट्रांसलेटर हैं? जी, मैं ट्रांसलेटर और कोऑर्डिनेटर। अच्छा, क्या नाम है दोनों पेरेंट्स का? जो पिता है, पिताजी है, उनका नाम है ऑस्कर चिकित्तो, और जो माता है उनका नाम है रोजाना दार्सी। क्या करते हैं ये इटली में? जो पिता है वो एक फैक्ट्री में वर्कर है, और जो माता है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेक्रेटरी है। इटली से पहुंचे चेकेटो अक्सर उनकी पत्नी डॉर्सी रोजाना ने एक मल्टीनेशनल कंपनी हावाजीट कंपनी में सेक्रेटरी पद पर नियुक्त है। उन्होंने बच्ची को गोद लिया। बच्ची को गोद लेने की प्रक्रिया सहरसा व्यवहार न्यायालय के वकालत कर रहे एडवोकेट डॉक्टर SP सुमन ने की। वही वो इटालियन भाषा में ही बात कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने मुंबई से ट्रांसलेटर सचिन को साथ में लेकर सहरसा पहुंचे थे। ये जो बालिका अभी जा रही है इटली, ये हमारी 6ठी बालिका है जिसको हम लोग विदेश में एडॉप्शन करा रहे हैं, फॉरेन एडॉप्शन हो रहा है। और ये बालिका 2015 से हमारे यहाँ थी और 6th बालिका है, और बहुत अच्छा लगाव रहा है। इटली के जो दंपत्ति आए हैं उनका कहना है कि भारत से जो एडॉप्शन हो रहे हैं वो बहुत ईजिली हो रहे हैं, और उनके लिए बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे तरीके से एडॉप्शन हो रहा है। क्या संस्था का क्या है, आपका क्या है कि आगे भी बच्चे को भेजने का? देखिए, भेजने की प्रक्रिया जो है वो हम लोग नहीं करते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। इंटर कंट्री एडॉप्शन जो होता है वो भी ऑनलाइन ही होता है, और जितने पेरेंट्स हैं जो अप्लाई करते हैं ऑनलाइन उन्हीं को एडॉप्शन मिलता है। तो आगे भी अगर पेरेंट्स अप्लाई करेंगे तो उनको एडॉप्शन में भेजा जाएगा विदेशों में। बड़ी सफलता है ये? जी जी, बहुत बड़ी सफलता है, और हमारे बच्चों का भविष्य चंद मिनट में ही परिवर्तित हो जाता है। विदेश तक पहुंच जाते हैं बच्चे, और पेरेंट्स के साथ लगाव भी उनका अच्छा होता है। हम लोग यहाँ एडॉप्शन कमेटी की बैठक करते हैं, और वो एडॉप्शन कमेटी देखती है कि बच्चे का लगाव सही ढंग से माता पिता के साथ, और माता पिता का जो दत्तकग्राही माता पिता हैं उनका लगाव बच्चे के साथ है या नहीं, इस बिंदु पर निर्णय लिया जाता है, तभी एडॉप्शन हम लोग भेजते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम भास्कर प्रियदर्शी, सहायक निदेशक बाल संरक्षण सहरसा। बच्ची को गोद मिलने से दस्तक गृह में काफ़ी खुशी दिखाई दी। अब तक 6 बच्ची को विदेश में अपना घर नसीब हुआ है। इससे पूर्व 2 USA में 2 बच्चे को भेजा गया था, एवं स्पेन, माल्टा, बेल्जियम में 1-1 बच्ची को नया घर अपना नसीब हुआ। इटली से पहुंचे दंपति को रीना सुपुर्द की गई। रीना बीते 2015 से मुजफ्फरपुर दस्तक गृह से सहरसा दस्तक गिरी पहुंची थी, जहां लगातार 3 वर्षों से सभी का मन मोह लिया था। वह सहरसा से सदरे आलम की रिपोर्ट।